हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका टेक्निकल श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है नितिन श्रीवास्तव। दोस्तों, आज फिर मैं आपसे teamwork.ai के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है कि teamwork.ai के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप इस वेबसाइट में अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस वीडियो का मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यार, आज मैं आपको ऑनलाइन क्राउड वर्कर इंडिया जॉब के बारे में बताऊंगा और अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस जॉब का पे रेट बता देता हूं। इस जॉब में अगर आप एक घंटे काम करते हो तो आपको $10 की अर्निंग होती है। दैट मीन्स कि इस जॉब में $10 पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। और अगर US कैंडिडेट है कोई, मतलब कोई अगर US से वर्क करता है, तो उसको $25 पर आवर के हिसाब से यहाँ पे रेट मिलता है। देखिए फ्रेंड, पिछली बार हमने जो है इस जॉब पर अप्लाई किया था, देखिए यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एड एवेल्युएटर इंडिया। तो फ्रेंड, अगर अभी आप लोगों को जॉब नहीं मिला है, क्योंकि मुझे भी अभी इसमें जॉब नहीं मिला है, तो देखिए इनकी टाइम लिमिट होती है कि 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं, तो हमें अप्लाई कर देना है और वेट करना है। डीमोटिवेट नहीं होना है कि जॉब नहीं मिल रही है, जो है आपको सिर्फ अप्लाई कर देना है और इसको छोड़ देना है। जब भी आपको मेल आता है कि भैया आपको जॉब मिल गई है, आप यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो आप इस पर आके काम चालू कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे एक जॉब और है, ऑनलाइन क्राउड वर्कर इंडिया। ये भी इंडिया में है और नेशन वाइड है, मतलब पूरे इंडिया में, और इसमें जो मैंडेटरी लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस जॉब के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन क्राउड वर्कर इंडिया के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसी टाइप से आपको भी कर देना है। और फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं दिख रही, तो आपको क्या करना है, नीचे आना है। देखिए यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, यहाँ पर कैटेगरी, यहाँ पर आपको ऑल ही रहने देना है, और यहाँ पर आपको लैंग्वेज में भी ऑल कर देना, और यहाँ पे जो कंट्री है इसको आपको सेलेक्ट करना है। ऑल की जगह पे आपको यहाँ पे जो है इंडिया के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है इंडिया सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे सर्च का जो बटन है उसके बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना। तो देखिए फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जॉब लिस्ट में आपको इंडिया में 2 जॉब अवेलेबल दिख जाएंगी। धीरे धीरे यहाँ पे और जॉब भी इंडिया के लिए आ सकती हैं फ्यूचर में, तो आप यहाँ पे ट्राई करते रहिए। तो ऑनलाइन क्राउड वर्कर इंडिया के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए फ्रेंड, इस टाइप से हमारे पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो पोस्टेड डेट है, यहाँ पे 6/29/2020 बता रहा है ये। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस जॉब। इस जॉब के बारे में आपको यहाँ पे ओवरव्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्वालिटीज़ और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट्स का हर एक सीक्वेंस मिल जाएगा, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे कि फ्रेंड, यहाँ पे जो जो भी इन लोगों ने लिखा है वो आपको पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पे स्पीच कलेक्शन, डाटा कलेक्शन का मेन ये प्रोजेक्ट है, सर्वे बेस्ड टास्क भी इसमें आपको मिलेंगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, काम ज़्यादा कठिन नहीं है, काम ईजी होगा, तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं कि आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, और आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो और बीच में आपका इंटरनेट उड़ जाए या कुछ बंद हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, वही लिखा। और यहाँ पर एक मेन बात ये है कि आपकी जो एज है वो 18 साल तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो ये हर कंपनी में मैंडेटरी होता है कि आप 18+ एज के तो होने ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का एक बटन है, देख सकते हैं आप नीचे, तो इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, तो हम इसको जो है ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे लिए जो है फिर से जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वगैरह ये पूछ रहे। तो फ्रेंड, ये सब भरने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। अभी मेरा इस वेबसाइट में अकाउंट बना हुआ है, तो मैं लॉगिन करके डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे मेरा नाम लिखा रहा है नितिन श्रीवास्तव। तो मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अगर आपने साइन अप प्रोसेस वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैंने बोला है आपसे कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं फिर से अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ से देखिए अब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिखा है जॉब एप्लीकेशन स्टेप 3। जब भी आप साइन अप करके इस जॉब में अप्लाई करोगे, तो आपको भी स्टेप 3 से ही ये मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा, हाउ डिड यू हेयर अबाउट, मतलब हमें इनके बारे में कैसे पता चला। तो मैंने यहाँ पे अदर कर दिया। उसके बाद प्लीज स्पेसिफाई, यहाँ पे लिखा है, ये लोग पूछ रहे हैं कि बताइए कि आपने कहाँ से जो है इसके बारे में पता किया। तो मैंने यूट्यूब यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट का जो बटन है उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ऐसे ही आपको भी करना है, सेम टू सेम।
तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट के बटन पर हमने जैसे ही क्लिक किया हमारे सामने इस टाइप के जो है क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई इन क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें, तो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे सामने क्वेश्चन आ रहे हैं वही आपके सामने भी आएँ, तो हो सकता है कि आपके सामने कुछ अलग से क्वेश्चन आए, तो मैं इनके पहले नंबर आंसर आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो आपको देखिए फ्रेंड क्या करना है, व्हाट डज अटैच मींस, तो इसके ऊपर आपको जाना है, इनको कॉपी करना है और बारी बारी से गूगल में सर्च करना है, आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप इनका हिंदी करके देख सकते हैं कि इनमें आखिरकार पूछा क्या जा रहा है। ऐसे ही मैं इनके आंसर पहले ढूंढ लेता हूँ फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। मैंने इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चनों को सर्च किया और मुझे कुछ इस टाइप के जो है यहाँ पर आंसर मिले, तो मैंने यहाँ पे जो है फोर्थ नंबर का सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे व्हाट डज अटैच मीन, इसके बाद मैंने डी सेलेक्ट किया है और यहाँ पे लिखा है फाइंड द मिसिंग नंबर टू और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, उसके बाद 200 और 2000 लिखा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 2 और 2 के बाद 20 आना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे 20 टिक किया। आप अपने हिसाब से जो है अपने रिस्क पर इन चीज़ों को ट्राई कीजिए। और फोर्थ नंबर पर है विक्की का जन्मदिन जो है 31 अक्टूबर को है और उसी दिन यूनाइटेड स्टेट में बच्चों का एक जो है कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो बताइए कि यूनाइटेड स्टेट में कार्यक्रम कौन से दिन आयोजित किया जाता है। तो इन्होंने पहले इनका जो क्वेश्चन है उसी में इनका जो है आंसर छुपा हुआ था, तो 31 अक्टूबर ही यहाँ पे आएगा, तो मैंने इसको कर दिया। उसके बाद भार डस्ट रेक और ट्रीट मीन्स, मैंने इसको जो है सी पर क्लिक कर दिया क्योंकि मुझे गूगल में सर्च किया तो इस टाइप का मुझे कुछ आंसर मिला था। और यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट बिलोंग, तो देखिए यहाँ पे एप्पल पेंसिल ऑरेंज बनाना, तो देखिए एप्पल एक फल है और उसके बाद ऑरेंज भी एक फल है और बनाना भी एक फल है, लेकिन पेंसिल फल नहीं है इसलिए मैंने पेंसिल पर क्लिक किया। तो अब मैं क्या करूँगा, सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। देखिए फिर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो अब पता चल जाएगा कि हमने जो है आंसर सही दिए हैं या फिर गलत दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो है हमारे सामने कुछ एग्रीमेंट वगैरह आ गया है, यहाँ पर लिखा है MSA प्लस पेमेंट डिटेल और यहाँ पे एक टैक्स फॉरम आ गया है फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्लीज़ रिव्यू एंड एक्सेप्ट द मास्टर सर्विस एग्रीमेंट फ्रॉम teamwork.ai, दिस डॉक्यूमेंट डिटेल आउट ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट विथ teamwork, प्लीज़ मेक श्योर टू कन्फर्म एनी सेक्शन दैट रिक्वायर्ड कन्फर्मेशन। तो यहाँ पे जो है हम इनको जो है कन्फर्म कर देते हैं सबको, आपको अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे जो पेमेंट का कोई सिस्टम है इनका वो भी दिया गया है, मैं पहले नंबर इसको अच्छे से रीड कर लेता हूँ फिर आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे जो है सारे के सारे गाइडलाइंस को रीड कर लिया है। यहाँ पे जो पेमेंट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे पेमेंट का लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन तक का टाइम लग जाता है पेमेंट देने के लिए इन लोग को, जैसे ही आपके $10 हो जाते हैं तो ये पेपल के थ्रू आपका जो है पैसा यहाँ पे पे कर देते हैं। तो आप फ्रेंड अच्छे से और पढ़ लीजिएगा इसको, तो मैं इसको जो है एक्सेप्ट कर देता हूँ, सारी टर्म्स एंड कंडीशनों को मैं इसको भी एक्सेप्ट कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे नीचे आप पढ़ सकते हैं और भी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पे पेमेंट डिटेल का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे पेपल एड्रेस यहाँ पे मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे अपने पेपल का एड्रेस दे दूंगा, जो मेरा पेपल का एड्रेस है तो वो मैं यहाँ पे जो है टाइप कर दे। देखिए फ्रेंड जैसे कि मैंने अपना पेपल का मेल एड्रेस यहाँ पे दे दिया है, और अगर आप पेनियर अकाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहें तो रजिस्टर पेनियर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अगर लॉगिन करना चाहें तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे पेपल अकाउंट ही यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो मैं क्या एक्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे फिर क्लिक कर दूँगा। देखिए फ्रेंड अब हमारे सामने यहाँ पे थर्ड पार्टी ट्रैकिंग आ चुका है और यहाँ पे जो कंप्यूटर वाले हैं उनको ये सब सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और जैसे कि यहाँ पे जो क्रोम वाले हैं, जैसे कि हम क्रोम यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आ रही है, हम फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम को, तो उसको ठीक कैसे कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नंबर पे इन गूगल क्रोम ब्राउज़र एट द टॉप राइट क्लिक मोर, मोर पर क्लिक करना है एंड देन सेटिंग के बटन पे जाना है और फिर शो एडवांस सेटिंग के ऊपर हमें क्लिक करना है और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, कंटेंट सेटिंग पर जाना है एंड सेलेक्ट कुकीज़ के ऊपर हमें क्लिक कर देना है और अनचेक द बॉक्स नेक्स्ट टू, मतलब हमें जितने बॉक्स रहते हैं उनको अनचेक करना है, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ एंड साइड इनको अनचेक करना है और चेक द बॉक्स नेक्स्ट टू अलाउ साइट टू सेव एंड रीड कुकीज़ डाटा। तो इस टाइप से हमें इनको करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम तीन लाइन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, फिर इसके बाद पहले नंबर हमें जो इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, कर दिया। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो एडवांस सेटिंग है उस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आ रहा है जो है साइट सेटिंग,
देखिए फ्रेंड साइट सेटिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है कुकीज अलाउज एक्सेप्ट थर्ड पार्टी, तो इसके ऊपर हम अलाउ कुकीज़ के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड अलाउज कुकीज़ के ऊपर आपको क्लिक कर देना और यहाँ पे जो है बैक कर देना है फिर। तो देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पे कुकीज़ को अलाउ कर दिया है, जो जो इन्होंने बोला था अलाउ साइट टू सेव एंड रीड कुकीज़ डाटा, तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब चलिए हम रिफ्रेश करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो है हमने इस चीज़ को भी कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट फील्ड, तो यहाँ पे कुछ जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। आपके सामने भी कुछ इस टाइप के जो है डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट वगैरह आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है अगर आप चाहें तो इनको रीड कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऊपर से डायरेक्ट देखिए फ्रेंड नीचे आना हो, यहाँ पे जो है आपको आपका एड्रेस दे देना है। देखिए यहाँ पे जो एड्रेस लिखा है वहाँ पे आपको एड्रेस दे देना हो, यहाँ पे वाई जहाँ पे लिखा है बी वाई देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपको अपने साइन करना है और पहले आप एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद ही साइन करना। देखिए फ्रेंड तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपके साइन करने का हमारे लिए ऑप्शन मिल रहा है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे ड्रॉ का एक ऑप्शन मिल रहा है, यूज़ इमेज का एक ऑप्शन मिल रहा है और टाइप का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो बॉक्स है देखिए यहाँ पे मैं जो भी लिख रहा हूँ वो आ रहा है, तो इसी में आपको जो है अपना नाम लिखना है। तो इसी टाइप से आप यहाँ पे जो है अपने साइन कर सकते हैं, मैं भी कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड जैसे ही आप साइन कर दो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगा जिसको आपको क्लिक या टू कन्फर्म करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जो है इसको कन्फर्म कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड ये कन्फर्म हो गया है, उसके बाद देखिए फ्रेंड हम जो है नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाएंगे, मतलब फ्रेंड ये जो डॉक्यूमेंट हैं इनको ये लोग कन्फर्म करते हैं। तो देखिए फ्रेंड अभी के लिए यहाँ पे अब देख लेते हैं हम क्या आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप आ चुकी है। तो देखिए फ्रेंड फिर नेक्स्ट पेज में आपको इस टाइप का एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है ऐसे और यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आपको दे देना है। चलिए मैं यहाँ पर जो है डाल देता हूँ। इसी टाइप से जो है आपको भी यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर देना है। देखिए फ्रेंड इस टाइप से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको नीचे आना है और किसी पर भी आपको क्लिक नहीं करना है, नीचे आना है और यहाँ पे साइन हेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से आपको अपने जो है साइन करने पड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड जैसे कि मैं ड्रॉ के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर से आपको यहाँ पर साइन करने पड़ेंगे जैसे कि आपने पहले किए थे, तो यहाँ पर आपको साइन कर देना है। फिर से आपके सामने चेक बॉक्स आ जाएगा, तो उसको चेक कर देना और कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड अब आपका जो काम था वो यहाँ पे लगभग ख़त्म हो चुका है। अब हमें जो है यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें और हमें टाइप करनी पड़ेंगी। तो देखते हैं हम अब नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने क्या ओपन होता है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लेती है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर आ चुका है थैंक यू फॉर कम्प्लीटिंग यूअर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको ये चीज़ करनी है, नहीं तो फिर आप बाद में बोलो कि भाई एग्रीमेंट में ये था वो था। तो पहले आपको अच्छे से चेक कर लेना है, पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको एग्रीमेंट साइन करना है। तो अब मैं यहाँ पे जो है रिटर्न टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड अभी देखिए हमारी जो एप्लीकेशन है न्यू सबमिशन स्टेटस में आ रही है, अभी हमें इस पर काम नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्दी इस पर काम मिल जाए। देखो यार जाने से पहले एक बात बोलूँगा, अगर चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो भाई, क्या ही कर रहे हो। पहले नंबर तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके पास में जो घंटी आती है उसको ऑल पे क्लिक करो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर ठोक देना। तो आज का मेरा हो गया, अब मैं चलता हूँ, गुड बाय, टेक केयर।